राम दुलारी मैं के गई और मैं अकेला। बगा पिएगा, कावेरी मैके गई है, अब तो परमिट है। मुझे भी परमिट मिल गया। अच्छा, एक और? एक और? हाँ, हेल्थ ग्राउंड पे मिला होगा। अच्छा, तो 13 कोटा अब 8 बॉटल का हो गया है। अरे वेंकैया, एक बहुत बुरी खबर है। क्या है? मेरी कहानी तो खत्म हो गई। क्या कहानी खत्म हो गई? लेकिन तू लिखता कब था? हाँ, वैसे तो जरूर अच्छी कहानी होगी, लेकिन ये अच्छी खबर है। अरे वेंकैया, आज डॉक्टर आया था। मेरी छाती में दर्द होता था ना, बस अब मेरा तो कोई भरोसा नहीं रहा। अरे यार, ये क्या बक रहे तू? अरे 4 में से 3 प्लग उड़ गए मेरे इंजन के। तो गाड़ी बंद हो जाएगी। अरे तेरे इस डॉक्टर भट्ट को हार्ट के बारे में क्या मालूम है? हैं? साला फेंकता है। चल डॉक्टर मर्चेंट के पास चलते हैं। अरे वो तो हार्ट के मामले में धनवंतरी है, धनवंतरी। चल। अरे वेंकैया, उस धनवंतरी डॉक्टर मर्चेंट ने ही बताया कि मेरे 3 प्लग उड़ गए। उन्होंने बताया? जल गया कद्दू का कटलेट, जल गया, जल गया। आई ऑब्जेक्ट। भगा, इस तरह हताश बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ। ये जिंदगी एक लड़ाई है और इस लड़ाई की रचना मनुष्य प्राणी ने की है, मौत के खिलाफ। इस लड़ाई को जारी रखने के लिए हमें जीना चाहिए, हमें यानी तुम्हें। हमें कुछ करना चाहिए, कुछ जोड़ना चाहिए, कुछ तोड़ना चाहिए, कुछ फोड़ना चाहिए। थोड़ा फोड़ू? हाँ, आज तो मैं भी पीऊंगा। हे भगवंता, अरे जो नहीं पीते वो कैसे जीते होंगे? हैं? ये लो, टू योर हेल्थ। अब मेरी हेल्थ के लिए खैर। तू हमें छोड़ के ऐसे कैसे एकदम चला जाएगा? मैं अपनी मर्जी से थोड़े ही जा रहा हूं। वेंकैया, वैसे मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन प्रिया के बारे में, उसका क्या होगा रे मेरे जाने के बाद? हाँ, प्रिया भाभी का क्या होगा? तूने उसे बताया? उसे नहीं बताऊंगा। कुछ भी नहीं बताएगा? अरे नहीं, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हाँ, तूने ठीक कहा। वो रो रो के बेहोश हो गई थी जब तुम्हारा कुत्ता मर गया था। नहीं, वैसे मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात उससे भी जरा नहीं, उसे भी बहुत बुरी है, हैं? बहुत बुरी है उसे भी। हाँ, ऐसे मौके पर मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता क्या? वेंकैया, मैं चाहता था तू मेरा एक खास काम कर दे। बोल बोल, क्या करना है बोल।
मेरा अंतिम क्रियाकर्म तू कर। क्रियाकर्म? ऐसा मत बोल यार। हाँ प्रिया, बहुत बेहिसाब है रे, मुझसे प्यार करने में भी और खर्च करने में भी। मुझे तो यह डर है वेंकिया कि मेरे 13वें दिन पे वो इतना खर्च करेगी, इतना पैसा खर्च करेगी। कौन नहीं करेगा, मैं भी करूंगा। नहीं वेंकिया, ये समय पैसा लुटाने का नहीं। हाँ। तू सब संभाल लेगा ना? हाँ मैं संभालूंगा। हाँ लेकिन वेंकिया तू बहुत ज्यादा खर्च मत करना। नहीं ज्यादा खर्चा नहीं करूंगा, सस्ते में पटा दूंगा। हाँ एकदम सस्ते में। अच्छा वेंकिया, मैं जाता हूँ। क्या क्या मैं चलता है? जा बेफिक्र होकर चला जा, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ मैम, तेरा क्रियाक्रम मैं कर दूंगा। हाँ मैं क्रियाक्रम, मैं मैं बेफिक्र, मैं तेरा क्रिया और कर्म दोनों कर दूंगा। हाँ अरे भाई ये। नमस्ते प्रोफेसर साहब, चप्पल टूट गई? कमाल है, 15 दिन पहले तो खरीदी थी। आजकल इन चीजों का क्या भरोसा। कसम चमड़े की, आजकल जिंदगी का भरोसा नहीं रहा, ये तो बिचारी चप्पल है। आप मुझ पर भरोसा रखिए, ऐसी सी दूंगा कि कम से कम 6 महीने तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं सिर्फ 3 महीने ही चल जाए तो बहुत है, उसके बाद तो। अच्छा तो 3 महीने में आप कहीं जा रहे हैं क्या? मेरा मतलब है आप कहीं बाहर परदेश जा रहे हैं क्या? हाँ हाँ जाइए, खुशी से जाइए। अब तो वही करना पड़ेगा। आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं 6 महीने का बंदोबस्त कर देता हूँ, आना जाना तो आगे पीछे होता ही रहता है। नहीं लेकिन अपना तो फिक्स है। नमस्ते प्रिया जी। नमस्ते, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कैसे पहचानेंगी, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है। रोज प्रोफेसर भारदेंडू को कॉलेज में छोड़ने आती है ना आप, परसों आपने जो मसाले वाले करेले बनाए थे ना, वाह वो बहुत ही टेस्टी थे। मसाले वाले करेले? आपको कैसे मालूम? आप नहीं जानती, प्रोफेसर साहब को तो रोज खाने की याद में ही दिलाती हूँ, हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। फिर कब बनाएंगी आप करेले मसाले वाले? आपको बहुत पसंद है क्या? हाँ आपके हाथ के बनाए हुए। प्रोफेसर साहब की तबीयत बहुत खराब है क्या? उन्होंने 7 दिन की छुट्टी जो ली है, कोई खास बात तो नहीं? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, उनके बिना तो कॉलेज एकदम सुना सुना लगता है। खैर नमस्ते। क्या बात है लक्ष्मी पांडे जी? जी कुछ नहीं, मेम साहब है। क्यों? राशन का बिल लाया हूं। हम 300 रुपए? क्यों चाऊ क्यों गए, इस महीने तो कम है, पिछले महीने पूरे 400 रुपए थे। एक महीने में इतना बिल कैसे होता है? आपको तो मालूम है बाबूजी, मेम साहब जितना सामान मंगवाती हैं उतना ही बिल बनता है।
हम ज्यादा नहीं लिख सकते, हम तो ईमानदारी की खाते हैं। क्यों? अच्छा अब हम जाते हैं, बाद में आकर पैसे ले जाएंगे। चलो चलो भाई। ईमानदारी की खाते हैं। चोर साहब, आज कितनी गर्मी है, ऊपर से इतनी भीड़। खैर भाजी अच्छी मिल गई, आलू गोभी टमाटर। आज फूलगोभी की सब्जी बनाती हूँ, वेंकट भैया को भी भेजेंगे। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? डॉक्टर आए थे? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, ऐसे ही, सिर्फ गैस, बदहजमी। मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं तो तुम्हें हाथ की रेखाओं की तरह पहचानती हूँ। कभी तुम्हारे बारे में गलती की है मैंने? अच्छा अब छोड़ो सारी फिक्र, आज शाम को घूमने चलेंगे। सात दिन की जो छुट्टी ली है तुमने, उसका कुछ तो उपयोग करो। क्या हुआ, मेरा वजन बढ़ गया है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देख लो, ठीक से देख लो। अब कहो। नहीं बिल्कुल नहीं, शायद मेरा ही वजन कुछ कम हो गया होगा। होने दो, जैसे भी हो, हल्के या भारी मुझे अच्छे लगते हैं। बैठो। तुम जब मेरे पास होती हो ना, तो लगता है कि मैं कितना भाग्यवान हूं। लेकिन कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ छोड़ के मैं पहले, अगर पहले मैं खाना बनाती हूँ, तुम्हारे साथ इस तरह खेलती रही तो खाओगे क्या? कल जो चेक दिया था पेट्रोल बिल के लिए वो वापस आ गया है, दूसरा देने के लिए कहा है, इसमें कुछ गड़बड़ है शायद। 8557। अरे ये क्या लिख दिया? 8557। अपनी गाड़ी का नंबर लिख दिया मैंने। कैसी गलतियां करती हो, अच्छा हुआ चेक था, कैश होता तो मैं थोड़ा ही दे देती। मैं तुम्हें इतनी बुद्धू नजर आती हूँ क्या? बड़े आए इंटेलिजेंट प्रोफेसर। इंटेलिजेंट, फूल गोभी का क्या भाव है आजकल बाजार में? क्या फूल गोभी का भाव? हाँ, 1 किलो का। तुम आज लाई थी ना? लेकिन मैं तो आधा किलो लाई थी। आधा किलो गोभी का क्या भाव है आजकल? कमाल है, जब 1 किलो का भाव नहीं मालूम तो आधा किलो को कैसे मालूम होगा? प्रिया, तुम्हें कोई भी आसानी से ठग सकता है। तुम्हें फिर से कहीं दर्द हो रहा है क्या? क्यों, इतनी सुंदर जगह पे गोभी बैंगन का भाव पूछ रहे हो? प्रिया, मेरी एक बात मानोगी? क्या? तुम नाइट कॉलेज ज्वाइन कर लो। नाइट कॉलेज? हाँ, होम साइंस के क्लासेस, शाम 5 से 7, सिर्फ 2 घंटे और हफ्ते में 3 दिन। क्यों? बैंक अकाउंट्स, जमा खर्च, ये सब व्यवहार सीख लेना चाहिए। मान लो कल कोई बिजनेस करना पड़े। बिजनेस? हाँ, आम का बिजनेस। आम का बिजनेस? हाँ, जौनपुरी आम। आहा, क्या फल है, फलों का राजा है राजा। मेरा बस चलता ना, मैं तो बस आम का ही बिजनेस करता। तो मैंने काम करो, बाद में साल भर आराम। तुम्हें हो क्या गया है, ये सब क्या बोल रहे हो? नहीं प्रिया नहीं, तुम समझ नहीं रही। मैं सब समझती हूँ, हमें कोई आम आम का बिजनेस नहीं करना, और जब करना होगा तब देखा जाएगा। तब देखेंगे। आपके पति देव बिल्कुल सही कहा करते थे, सिर्फ 80,000 लगेंगे। 80,000? पहले तो 70,000 कहा था ना।
ईमानदारी की ही तो हम खाते हैं श्रीमती जी। असल में आम का भाव इस साल बहुत बढ़ गया है और ये आम भी तो है एक्सपोर्ट क्वालिटी के, बहुत दामों में बिकेंगे। पर लक्ष्मण भैया, आपने तो 70,000 में घर गिरवी रखा है ना। ईमानदारी की तो हम खाते हैं, आपकी गाड़ी जो है 10,000 रुपए उसके मिल जाएंगे। गाड़ी? मगर अरे आप चिंता मत कीजिए, उसके कागजात मैं सब तैयार करवा के लाया हूँ। और बाकी रहा ये 50 रुपया, ये स्टैंप पेपर का खर्चा, वो आपसे क्या लेना, जाने दो जाने दो। लक्ष्मण भैया आप बहुत दयालु हैं। मैं दयालु हूँ या नहीं हूँ, मगर मैं ईमानदार जरूर हूँ और आप समझदार जरूर हैं। अब आप इस पर दस्तखत कर दीजिए, ये लीजिए पेन, यहाँ ये बात हुई ना श्रीमती जी। चलो जी चलो चलो जल्दी चलो जी यहाँ से चलो। वो आम कब आएंगे? आम गदराए और मार्केट में आए, पहले तोतापुरी फिर सारनपुरी और फिर कानपुरी। चलो जी जल्दी निकलो।